नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिंह, द्रोणानंद विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास एवं भाषा के इतिहास और साथ ही साथ गद्य एवं पद्य की परिकल्पना को आपके साथ शेयर करूंगा। और यह जो आपका वीडियो बनाने की जो मेरी प्रथम शुरुआत है, यह IAS और बिहार PCS को लेकर के, PGT और TGT को लेकर के, और नेट और JRF को लेकर के एक नई सी सोच, एक नया सा विकास की दौर में एक नई सी परिकल्पना के साथ जोड़ेंगे। और इसके बाद हम लोग एक नई परंपरा को समझेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला जो शुरुआत है हमारा, वह हिंदी साहित्य के इतिहास की है। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उनकी विकास की यात्रा कैसी है, उसको लेकर के एक हम आपसे बात करेंगे। अगर साहित्य की परिकल्पना की बात करें हम, तो दो चीज़ें हमें समझनी होगी कि जिस साहित्य की शुरुआत आदिकाल से होता है, उसकी अंतिम दौर में, हम आज जिस दौर में जी रहे हैं, समकालीन कविता का एक दौर है। अगर हम इसकी बात करें तो आज मैं एक छोटा सा जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें साहित्य की एक सामान्य सी समझ, जो साहित्य की पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, उसकी चर्चा करेंगे। जहाँ पे हम सबसे पहले आदिकाल को देखेंगे। आदिकाल एक ऐसा दौर जहाँ पे एक नई सी डेवलपमेंट के साथ हम वीरता की बातें, श्रृंगार की बातें, लौकिकता की बातें, और साथ ही साथ जो है हम सिद्ध और नाथों की परंपरा में भक्ति की बातें करेंगे। तो आदिकाल हमारा प्रारंभिक दौर है, और आदिकाल के बाद एक नया सा दौर जहाँ पे हम लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक समस्याओं को लेकर के हम निर्गुण धारा और सगुण धारा के बीच में, ज्ञानाश्रयी मार्ग और प्रेमाश्रयी मार्ग के बीच में एक नई सी शुरुआत, जो भक्ति काल के दौर में, और छायावाद के पहले की दौर की अगर हम चर्चा करें तो ये महसूस होता है कि भक्ति काल एक ऐसी परिकल्पना थी, एक ऐसा दौर था जहाँ हम उसको स्वर्ण युग के नाम से जो है संवादित किए। उस दौर में एक नई परंपरा जहाँ पे हम लोक जीवन की समस्या और सारी संतों की काव्य हो गया, सूफी का काव्य हो गया, इसके बाद हम राम काव्य, निर्गुण धारा और सगुण धारा, लीला और अवतारवाद की समस्याओं को देखेंगे। और इसके दौर में हम जब खत्म होता है भक्ति काल, तो फिर एक नई शुरुआत जिसको हम रीति काल के रूप में जानते हैं। और रीति काल एक ऐसी परंपरा जहाँ पे हम, रीति का मतलब होता है परिपाटी, सिस्टम या चलन, या कह लीजिए कि एक ऐसा दौर जहाँ पे कविता की मूल्य का विस्तार होता है, जहाँ पे हम कविता, आज तक हम सिर्फ लोक जीवन, लोक समस्या या आर्थिक दौर को छोड़ करके और सारी समस्याओं को लेकर के लिखते थे, लेकिन कविता का मूल्य यहाँ पे, कविताओं में नक्श सिख महिलाओं का वर्णन, इसके साथ ही साथ एक अलग सी परिपाटी जहाँ मूल्य के लिए कविता होने की शुरुआत हुआ। लेकिन हम रीति काल की परंपरा को देखेंगे तो ये महसूस होगा कि रीतिवध, रीति सिद्ध, रीति स्वच्छंद और रीति इतर का एक नया सा दौर है। और रीति काल का 1850 के दौर में एक समापन का दौर शुरू होता है, और मध्य काल की समापन के बाद हम एक नए दौर में आते हैं जहाँ पे हमारे पास कविता का रूप बदल जाता है, कविताएं की विशेषताओं का बदलाव होता है, एक नई शुरुआत के साथ हम कविता को मौलिकता के साथ जोड़ते हैं। और भारतेंदु युग जहाँ पे हम नए तरह से नवजागरण की चिंता और चेतना की बात करते हैं, एक नए तरह से जगने की बात, जहाँ पे राष्ट्रभक्ति भी है, राजभक्ति भी है, एक नाटक की परिकल्पना की शुरुआत होती है, और परीक्षा गुरु उपन्यास जैसा एक नया दौर जहाँ पे उपन्यास की एक नई शुरुआत होती है, और हम नवजागरण की एक नई चेतना, जहाँ पे अगर हम इतिहास की परिकल्पना को देखें तो ये महसूस होता है कि जहाँ 1857 का एक विद्रोह, जिसे एक नई सी व्यवस्था के साथ, जो हम एक नई डेवलपमेंट के साथ शुरुआत करते हैं, और वही दौर हमारा भारतेंदु का दौर है। और एक ऐसा व्यक्ति जिनके नाम से, जो जिनकी जीवन 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष तक जो जीव रहे, लेकिन उनकी हम अगर रचना की बात करें तो 50 वर्ष की परिकल्पना उनके साथ गुजर जाता है, तो एक नई सी शुरुआत। और इनके बाद 1900 के दौर में हमारे पास द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ शुरुआत होती है, और कविता का रूप बदलता है। हम कह लें कि आदि से अनंत तक कविताओं की रचना और कविताओं का रूप का दौर, और यहीं पे कामता प्रसाद गुरु जैसे लोगों ने मिलकर भारत में एक नई क्रांति, हिंदी साहित्य में व्याकरण का इतिहास, परसर्व का विकास की एक नए दौर, और एक कविता का ऐसा रूप जहाँ पे हम दो तरह के अनुशासनवादी परंपरा को
एक स्वच्छंतावादी परंपरा के साथ जोड़ते हैं, और रीति काव्य के बाद जो है हम द्विवेदी युग के बाद हमारी एक नई शुरुआत होती है, और नई शुरुआत को हम कहें तो छायावाद का एक दौर, जहां हम भक्ति काल को जहां चार विचारधाराओं में जोड़े थे, दो धाराओं में निर्गुण और सगुण के साथ जोड़े थे, वैसे ही छायावाद का एक ऐसा दौर जहां पे हम एक तरफ प्रसाद की परिकल्पना को देखेंगे तो एक तरफ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनकी अपनी एक दौर है, जो अब राम की शक्ति पूजा से लेकर सूर्य स्मृति तक राग विराग की सारी परिकल्पनाओं को देखेंगे, तो एक नई सी विकास की यात्रा शुरुआत होगी। और वहीं पे सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के कवि के साथ हम सामने देखते हैं, और एक महिला जो इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं, एक महिला महादेवी वर्मा के रूप में एक नई क्रांति का दौर, जहां पे हम देखेंगे कि रहस्यवाद की परिकल्पना या निराला के यहाँ एक दुखों का समंदर तोड़ती पत्थर से लेकर के, अगर हम सरोजिनी स्मृति की बात करें तो जहां एक शब्द है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, और एक अलग सा दौर जहां पे उन्होंने कहा भी अपनी बेटी की मृत्यु होने के बाद सरोजिनी स्मृति लिखते हैं, जो भारतीय संस्कृति का एक नया साहित्य में सो गीति की शुरुआत होती है, अपनी एक नई परिकल्पना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके अगले वर्ष ही राम की शक्ति पूजा लिखकर उन्होंने दर्शा दिया कि शक्ति की हो परिकल्पना, राम की शक्ति पूजा के साथ एक नए संघर्ष करता हुआ राम, जो रामचंद्रिका के राम से अलग हैं, जो रामचरित मानस के राम से अलग हैं, और वह जो उदात्त चरित्र के साथ हम मध्यकाल में जिस राम को जोड़ते थे उनसे अलग हैं, जहाँ पे एक संघर्ष की परिकल्पना है। तो थोड़ा सा हम इसके साथ बोर्ड पे ये भी देख लेंगे कि इनका समय क्या है और उनकी परिकल्पना में क्या क्या विशेषताएं और कैसी डेवलपमेंट होगी, एक बार हम थोड़ा सा बोर्ड पे देख लेते हैं आदिकाल से लेकर के और समकालीन कविता तक, फिर जो चीजें बची हुई हैं उन्हें हम समझेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहला अगर हम दौर की बात करें तो एक ऐसा दौर जिसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा दौर है जहां हम बाद में चलकर पेपर सेकेंड में यहीं पे हम गद्य और पद्य का भी इतिहास देखेंगे। तो इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो दो चीजों को हमें समझना होगा। सबसे पहली जो दौर है जिसको हम कहते हैं आदिकाल, और आदिकाल हालांकि विभाजन का जो हमने दौर देखा वहां पे एक समग्रता को लेकर के अलग अलग रचनाकारों में अलग अलग समय में थोड़ी सी ऊपर नीचे बात होती है, लेकिन हम साहित्य को अगर देखें तो सब मिलाकर के 1050 से लेकर के और 1375 ईस्वी तक की घटना को हम आदिकाल के दौर में देखेंगे। आदिकाल के बाद हमारे पास एक नया दौर, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास की परंपरा अगर हम देखें तो खास करके साहित्य के इतिहास को, तो कोई भी समय एकाएक खत्म नहीं होता और दूसरे की शुरुआत एक नई परिकल्पना के साथ होती है। तो भक्ति काल को हम 1350 के बाद ही भक्ति काल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं दिखनी लगी थी। तो 1350 से 1650 के दौर में हम भक्ति काल को देखेंगे, जहां पे एक नई सी विकास की यात्रा होगी। भक्ति काल के बाद हम फिर एक बार रीति काल के रूप में देखेंगे, एक नई परिकल्पना, एक नया सा दौर जहां पे हम 1650 से लेकर के 1850 के बीच में एक रीति काल की परिकल्पना को देखेंगे। रीति काल के बाद अगर हम चलते हैं आगे तो एक नया सा दौर, ये एक ऐसा रूप है जिसको हम मध्यकाल के रूप में जानते हैं, एक नई सी विचारधारा जहां पे क्रांति का दौर तो था लेकिन हम यहाँ भारतेंदु युग से एक ऐसा दौर जहां पे देश की आजादी के लिए कविता का रूप भी बदलता है। भारतेंदु युग का समय अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 1850 से लेकर के 1900 तक इनकी प्रवृत्तियां दिखते रहती हैं, और इतिहास में अलग अलग समय की अलग अलग परिकल्पना है, तो कहीं कहीं रचनाकारों ने अपने सुविधानुसार अलग अलग माना है, लेकिन एक ऐसा दौर जहां पे हम संभवतः 10 से 20 वर्ष के इतिहास को आगे पीछे थोड़ा सा देख सकते हैं, खासकर के मध्यकाल के दौर में। और मध्यकाल के बाद जब हम भारतेंदु युग की बात करते हैं, भारतेंदु युग के बाद हमारे पास एक नया सा दौर है जिसको हम कहते हैं द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग का अगर समय की बात करें तो 1900 से लेकर के
1918 जहां पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक नई परिकल्पना हंस पत्रिका से लेकर के एक अलग सी डेवलपमेंट, और इसके बाद हम एक नया सा दौर जिसको हम छायावाद के साथ देखेंगे। छायावाद एक ऐसा दौर है जहां पे हम कविता का रूप सृजनात्मक देखते हैं, जहां पे मैं शैली के विकास को दिखाई देता है, जहां पे एक नई सी सृजनात्मकता की बात करते हैं हम, जहां पे प्रेमी और प्रेयसी की प्रेम की बात करते हैं, जहां हम देखेंगे कि महादेव वर्मा के यहाँ कहा जाता है कि ले चल मुझे फुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो एक अलग सी परिकल्पना। फिर कहती भी है कि चाहता है यह पागल प्यार एक नया संसार, क्योंकि वह विधवा महिला अपनी बातों को कहने के लिए रहस्यवादी शैली में लिखती हैं, जबकि वहीं आप देखेंगे कि निराला खुद कहते हैं कि दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं गही, धन्य मैं पिता निरर्थक था तेरे हित कुछ कर न सका। जबकि हम प्रसाद के यहाँ प्रेम देखते हैं तो उनकी प्रेम की परिकल्पना अलग हो जाती है, अलग, जहाँ कहते हैं कि मिला कहाँ वस्तु जिसका मैं स्वप्न देख कर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर वो भाग गया। तो एक नई सी परिकल्पना हम बाद में भी देखेंगे कि कहते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रियाहीन है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की। तो एक नई परिकल्पना, एक नया सा सोच, एक नई सी दौर जहां हम छायावाद के साथ देखेंगे। प्रकृति के कवि जो है पंत जी, उन्होंने भी एक अलग दौर है, तो प्रसाद के यहाँ जहां रचनाओं में प्रेमी प्रेसी की दौर देखता है, लेकिन हम साथ कि हम जब हम छायावाद के बाद प्रगतिवाद के दौर में जाते हैं तो एक नई शुरुआत होती है, और कहा जाता है कि 1936 से लगभग 43 के बीच में एक ऐसा दौर जहां पे कविता का रूप बदल जाता है। कविता किसके लिए? सर्वहारा के लिए। कविता किसके लिए? वह व्यक्ति जो सबसे निचले तबके के हैं, जिनके पास अपना आशियाना नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो संघर्ष के दौर में है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अगर हम फॉलो करें तो जो कहते हैं कि तुम्हें विश्व के मजदूरों तुम्हें पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं, उस विचारधारा की फॉलोअर है। और यहाँ प्रेम का रूप ही कहाँ, अभी तक हम प्रेमी प्रेयसी, छायावाद का दौर एक ऐसे जगह गुजरता था जहाँ छाया कहीं और है, लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि मिलकर वे दोनों प्राणी देते खेत में पानी। तो एक नई परिकल्पना, एक नई शुरुआत, एक नया सा दौर जहां पे हम प्रेम की प्रतिष्ठा की तो बात करते हैं, लेकिन वह प्रेम कहाँ, पति पत्नी के बीच प्रेम, जिसको हमारी समाज ने एक्सेप्ट किया, जिसे हम समाज से डर नहीं है, जो समाज उसे लौकिकता के दौर में मानता है, और यही कारण है कि इनका प्रेम का जो रूप है वो अलग हो जाता है। तो प्रगतिवाद में विचारधारा बदलती है, और प्रगतिवाद का समय अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि इतिहास और साहित्य अगर दोनों की हम चर्चा करें तो कहा जाता है कि इतिहास समय का, समाज का दर्पण है, लेकिन साहित्य जो है एक कदम आगे बढ़कर, साहित्य जो है समय और समाज का दर्पण और दीपक। दर्पण का मतलब होता है जो है उस समय की समाज को दिखाना, और दीपक का मतलब है आगे की रास्ता को दिखाना, और यही कारण है कि साहित्य और इतिहास में अनन्यश्रय संबंध है। इतिहास जहां कहता है कि फैक्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, कंसेप्ट के दौर में कहानी हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें हैं कि अगर 1296 में खिलजी आते हैं तो 1316 तक रहेंगे, ये बिल्कुल सत्य होना चाहिए। लेकिन हम जब पद्मावत की रचना करेंगे तो मलिक मोहम्मद जैसे की रचना जो 15वीं 16वीं सदी के दौर का है, और 1301-2 की घटना को हम दर्शाते हैं, लेकिन वहां पे हम साक्ष्य को ये नहीं देखते कि कब की घटना है, और अमीर खुसरो उनके दरबार के कवि हैं वो क्यों नहीं लिखते, या जैसे क्यों लिखते, हम नहीं पूछते, क्योंकि वहां पे हमारा कथा बिल्कुल सही हो, बल्कि कॉन्सेप्ट के दौर पे फैक्ट जो है वह आगे पीछे हो सकता है। तो साहित्य में कथा पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हम इतिहास की बात करें तो वहां एक नई परिकल्पना के दौर में, प्रगतिवाद के बाद हम एक नई परिवर्तन, एक नया सा दौर जिसको हम कहेंगे कि ये प्रयोगवाद का दौर है, और प्रयोगवाद जहां पे एक नई विचारधारा 1943 तार सप्तक की रचना का दौर और देश की आजादी का भी दौर है, एक नई सी शुरुआत हो जाती है।
एक नया परिकल्पना के साथ, क्योंकि प्रयोगवाद का दौर एक ऐसा दौर है ना, जब हम देश की आजादी की बात करते हैं, जहां पे हम जो है एकांगीपन की बात करते हैं, जहां शहरी मानसिकता की बात होती है, और सबसे बड़ी जो परिकल्पना उस समय के दौर में देखेंगे कि ग्राम से शहर की ओर जाने वाले लोग जो है यौन कुंठा का भी दौर। देखिए उसी दौर में हम कहते हैं कि फूल को प्यार करो, झरे तो झर जाने दो। तो एक ऐसा दौर जहां पे हम सोचिए कि छायावाद के दौर में हम कहा करते थे कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नामिक धीरे धीरे, जहां हम कहते थे कि चाहता है यह पागल प्यार एक नया संसार। और उसी परिकल्पना के दौर में हम प्रयोगवाद में कहते हैं कि फूल को प्यार करो, झरे तो झर जाने दो। तो शहरीकरण मानसिकता है, जहां पे हम आज जिस शब्द को हम एथिक्स कहते हैं, मोरलिटी कहते हैं, तो वहां पे एक नई दौर जहां पे एक छत के नीचे जा रहने वाले हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाते हैं। जहां पे हम 36 के दौर में अगर हम उपन्यास की भी बात करें तो गोदान, जहां पे विश्व की परिकल्पना एक नया सा दौर के साथ शुरुआत होता है, जहां संघर्ष में होरी और जो है उनकी पत्नी धनिया भी साथ में है, गोबर उनका पुत्र सोना, सब लोग साथ में है, एक नई संघर्ष है। लेकिन यहाँ कविता का रूप बदल जाता है, इसीलिए कहा गया है कि जैसे जैसे समय और समाज का दर्पण बदलता रहा, हमने जहां एक समय था कि 200 से 300 वर्ष में एक रूप चलता था, वहां पे विशेषताएं बहुत तेजी से बदलती नहीं थी। लेकिन आपको महसूस होगा कि हम जब भक्ति काल और रीति काल के बाद के दौर को शुरू करते हैं, तो जहां भारतेंदु युग मात्र 50 वर्ष तक जीवित है, वहां पे द्विवेदी युग मात्र 18 वर्ष, और फिर हम प्रगतिवाद के दौर में मात्र 7 से 8 वर्ष की बात करते हैं। तो एक नई परिकल्पना और प्रयोगवाद के बाद हमारे पास एक नया सा दौर, जिसको हम कहते हैं नई कविता का दौर है, और इसका समय है 1951 से 60 के बीच में। एक दौर ऐसा जहां पे हम लघुता की बात करते हैं, जहां पे आप देखिए अनामिका सिंह की कविता को हम देखेंगे तो ये महसूस होता है कि अपनी एक अलग सा रूप है, एक अलग सी विकास यात्रा है, जहाँ पे कहते हैं कि राम पाठशाला जा, राधा खाना बना, राम बतासा खा, राधा झाड़ू लगा, राम यह तुम्हारा कमरा है, तो पूछती है वह कि माँ मेरा कमरा कौन सा है, तो कहते हैं कि एक ऐसा दौर जहाँ पे कहती है वो कि बेटी ये जो बेटियाँ होती हैं इनका कुछ अपना नहीं है, तो हवा और पानी की तरह होती हैं। और वही दौर है जहां पे हम सक्सेना की बात कर लें, नागार्जुन की बात कर लें, एक नया सा दौर जहां पे कहते हैं कि देखो धसी धसी आंखें, बिखरे बिखरे बाल, कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल। जहां पे एक नई दौर जहां पे कहते हैं कि झूठ मूठ सुजला सुफला के गीत नभ हम गाएंगे, दाल भात तरकारी जब तक नहीं पेट भर खाएंगे। इन सारी समस्याओं के साथ नई कविता के बाद हम सठोत्तरी कविता, और समकालीन के दौर में हम नई कविताओं समकालीन कविताओं को देखेंगे जो पूरे सिलेबस के साथ है। तो इन्हीं के साथ मैं एक छोटा सा जो मेरा वीडियो था उसको मैं समाप्त करता हूं, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप बताइए कि अगली शुरुआत हम कहाँ से करें, और जो भी चीज़ें जहाँ पे भी जो ज़रूरत हो, खास करके बिहार PCS के लिए, UGC नेट के लिए या UPSC के लिए, तो अब हर सेक्टर को जैसे आदिकाल से जब उठाऊंगा तो सारे क्वेश्चन, उनकी भक्ति की विशेषताएं, उनकी रचनाकार, आदिकाल का नामकरण, उनकी प्रवृत्तियाँ, उनकी सीमाएँ, सबको एक साथ तय करेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी साहित्य की आज की क्लास समाप्त करता हूँ।